आपको क्या लग रहा है? इधर इधर। आपको जो लग रहा है वही सच्चाई पूरी तरीके से जो है विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से टांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और आज ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है, जिस हिसाब से क्रिमिनलाइज बना दिया गया है पुलिस के लोगों को यूपी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन सब आईएएस आईपीएस अधिकारियों को भी कम से कम इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जो लोग भी हैं सब लोग शपथ लेकर के संविधान का आज संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक पद पे अगर लोग अगर इस तरह का काम करेंगे, पुलिस का काम क्या है? सबके साथ इंसाफ करना, माहौल को ठीक करना। लेकिन जिस हिसाब से यूपी में पुलिस का गुंडाकरण कर दिया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरीके से भाजपा जो है एकदम नफरत ही नहीं, ये लोग किसी भी प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए सब हम सब लोग जो है एकजुट है, इनके नफरत के डिज़ाइन को हम लोग जानते हैं। अगर कहीं भी इस तरह का प्रयास अगर बिहार में अगर कोई करेगा तो हम लोग जो है चुप बैठने वाले लोग। आपको क्या लग रहा है? इधर इधर। आपको जो लग रहा है वही सच्चाई पूरी तरीके से जो है विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से टांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और आज ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है, जिस हिसाब से क्रिमिनलाइज बना दिया गया है पुलिस के लोगों को यूपी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन सब आईएएस आईपीएस अधिकारियों को भी कम से कम इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जो लोग भी हैं सब लोग शपथ लेकर के संविधान का आज संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक पद पे अगर लोग अगर इस तरह का काम करेंगे, पुलिस का काम क्या है? सबके साथ इंसाफ करना, माहौल को ठीक करना। लेकिन जिस हिसाब से यूपी में पुलिस का गुंडाकरण कर दिया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरीके से भाजपा जो है एकदम नफरत ही नहीं, ये लोग किसी भी प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए सब हम सब लोग जो है एकजुट है, इनके नफरत के डिज़ाइन को हम लोग जानते हैं। अगर कहीं भी इस तरह का प्रयास अगर बिहार में अगर कोई करेगा तो हम लोग जो है चुप बैठने वाले लोग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।